मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हमेशा ही अपने फैंस का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तेंदुलकर युवा खिलाड़ी से मिलते रहते हैं और उन्हें प्रोत्साहित भी करते रहते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने हाल ही में जम्मू कश्मीर पैरा क्रिकेट टीम के कप्तान आमिर लोन से उनके घर जाकर मुलाकात की। तेंदुलकर ने इस युवा खिलाड़ी को एक खास तोहफा भी दिया है। अपने कार्यकाल के सबसे संपूर्ण बल्लेबाजों में से एक माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर इन दोनों जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी कश्मीर यात्रा की झलकियां साझा की। महान भारतीय बल्लेबाज को आखिरकार आमिर लोन से मिलने का मौका मिला, जिनकी ट्रेनिंग की एक क्लिप ने तेंदुलकर का ध्यान आकर्षित किया था। तेंदुलकर और आमिर के बीच खुलकर बातचीत हुई और कश्मीर का बल्लेबाज अपने रोल मॉडल से मिलने के उत्साह और खुशी को रोक नहीं सका। तेंदुलकर ने आमिर की सराहना और उन्हें इस पीढ़ी के बच्चों के लिए सच्ची प्रेरणा बताया। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, धैर्य और जुनून ने उन्हें आज वह खिलाड़ी बनने के लिए प्रेरित किया है। सचिन ने आमिर को अपने सिग्नेचर के साथ एक बल्ला भी तोहफे में दिया। आमिर हुसैन लोन बिजबेरा के वाघामा गांव के रहने वाले हैं। जब वे 8 वर्ष के थे तब उनके पिता की मिल में एक दुर्घटना हो गई थी, जिसके कारण खिलाड़ी को अपने दोनों हाथ गंवाने पड़े। लेकिन असफलता के बावजूद आमिर 2013 से पेशेवर रूप से क्रिकेट खेल रहे हैं। एक शिक्षक ने उनकी क्रिकेट प्रतिभा की खोज की और उन्हें पैरा क्रिकेट से परिचित कराया था।